हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल फूड मशीनरी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक मशीन के द्वारा अपने खाने पीने के सैकड़ों आइटम को फ्राई कर सकते हो। ये जो फ्राई करने की मशीन है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बने रहिए वीडियो में। ये जो मशीन है, इस मशीन का जो यूज होता है स्पेशली, जैसे कुरकुरे है या चिप्स है, नमकीन है या बच्चों के प्राइम्स आइटम जैसे कटोरी, चाउमीन, पास्ता, ABCD, नूडल, जंगल फन, मोटू पतलू, इस तरह के सैकड़ों आइटम को ये फ्राई करने में सक्षम होती है। और इसका यूज कैसे होता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक से चलती है और मशीन आप देख रहे होंगे पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ मशीन होता है। एक बार मैं आपको मशीन को दिखा देता हूँ कि पूरी ही स्टेनलेस स्टील की खड़ा करता रहे बस। आप देख सकते हो ये इसका टैंक साइज होता है। इसमें करीब आपको मिनिमम 150 लीटर ऑयल डालना होगा। ऑयल डालने के बाद इसके नीचे जो एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बस इस तरीके से ये ऑयल आपका यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये एलिमेंट्स लगे होते हैं जो हीट होते हैं। जितना डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर हीट करना है, आप उतने का इलेक्ट्रिक पैनल में टेम्परेचर सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक ऑयल उतने डिग्री सेल्सियस पर हीट हो जाएगा। और हीट होने के बाद ऑयल, जब आप इसमें कोई अपना माल डालोगे तो माल फ्राई होने के बाद इस तरीके से इसको उठा दिया जाता है और माल आपका पूरा बाहर के बाहर आपका बाहर ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी अपना बकेट या ट्रे लगा सकते हो जिसमें आपको माल को कलेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, पॉलिश होना भी बाकी है। तो मैंने केवल आपको दिखाने के पर्पज से कि इस तरीके से आप, सबसे बेस्ट तरीका है इसका जो आप खाने पीने के यूज में लाते हो। इसके बाद इसमें जो जाली लगी हुई है, जाली ऑयल में डूब जाती है और जो भी आप आइटम फ्राई करोगे, चाहे कुरकुरे, नमकीन या कुछ भी प्राइम्स आइटम, उसको डाल दीजिए, वो आपका फ्राई हो जाएगा। फ्राई करने के बाद जब आप उस जाली को, स्टैंड को उठाओगे तो आपका सारा माल बाहर गिर जाएगा और ऑयल ओनली फ्रायर के टैंक में इकट्ठा रह जाएगा। तो सबसे बेस्ट आसान तरीका होता है कि एक बार में एक बैच पूरा फ्राई होगा और एक साथ ही पूरा बैच को आप बाहर निकाल लोगे। और इसका चलने का जो उपयोग होता है वो ओनली इलेक्ट्रिक से होगा। इसके नीचे जो जहाँ पर टैंक में ऑयल भरा जाता है, एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि बिजली से यूज होते हैं, उनमें आप करंट दोगे तो वो हीट होंगे। जितना डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर सेट करोगे, उतने डिग्री सेल्सियस पर आपका ऑयल हीट होगा। किसी आइटम को 150 डिग्री सेल्सियस चाहिए, किसी को 180, किसी को 200, किसी को 120 डिग्री सेल्सियस। जितना जिस प्रोडक्ट को डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, आप उतना ही टेम्परेचर अपना सेट कीजिए और अपना मशीन से प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। ये पूरा ही मशीन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसका एक बार वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको ये मशीन का पूरा डिटेल दिखाया है, अब इस मशीन के बारे में आपको बता दूँ, इस मशीन की जो कीमत है, पूरा स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है, मात्र 1,25,000 रुपये की ये मशीन मिलेगी आपको। जी हाँ, पूरे 1,25,000 रुपये की मशीन है, जो कि आपका करीब एक, जो कि आपका प्रोडक्शन के हिसाब से मिनिमम 50 kg चिप्स, 80 kg नमकीन, 100 kg कुरकुरा और 150 kg फ्राइम्स को फ्राई करने में सक्षम होती हैं। तो मैं एक बात और बता दूँ, बाकी के जो फ्रायर होते हैं, जैसे कि डीजल फ्रायर, गैस फ्रायर, वुडन फ्रायर या इलेक्ट्रिक फ्रायर, इन सभी में जो सबसे सक्षम वो इलेक्ट्रिक फ्रायर है। जैसे कि मैंने आपको इस फ्रायर के बारे में जानकारी दी है, अब बात कर लेता हूँ कि ये फ्रायर आपका 1 घंटे में कितना यूनिट खाता है। इस फ्रायर में जो एलिमेंट्स लगे होते हैं वो 1 घंटे में 15 यूनिट खाते हैं। और आपके यहाँ मान लो अगर यूनिट चार्ज 10 रुपये पर यूनिट भी हुआ, तो 1 घंटे में आपका 150 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप पर डे 10 घंटे इस फ्रायर को चलाते हो तो पर डे के हिसाब से आपका 1,500 यानी कि 1,500 रुपया पर डे का आपका खर्चा आने वाला है इस इलेक्ट्रिक फ्रायर से। अब बात कर लेता हूँ डीजल फ्रायर की। डीजल फ्रायर आपका 1 घंटे में खाता है करीब 10 लीटर डीजल, और डीजल का जो रेट है आज की डेट में 90 रुपये पर लीटर है। अगर बाई चांस आप कहीं से जुगाड़ करके सस्ता भी ले लेते हो, बाई चांस आपने 80 रुपये लीटर भी ले लिया, तो भी आपका 1 घंटे में 800 रुपये का खर्चा आएगा डीजल से, क्योंकि डीजल 1 घंटे में 10 लीटर खा रहा है डीजल। और डीजल का रेट 80 रुपये पर लीटर के हिसाब से 1 घंटे का खर्चा आपका 800 रुपये हो गया।
अगर वही पर डे आप इसका प्रोडक्शन करते हो, मान लो पर डे में आपने 10 घंटे चलाया, तो आपका पर डे का खर्चा आपका 8,000 रुपये हो गया। तो डीजल की अपेक्षा इलेक्ट्रिक फ्रायर में आपका जो खर्चा आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है। इलेक्ट्रिक में मात्र 1500 रुपये पर डे का आ रहा है और आपका डीजल में 8,000 रुपये पर डे का खर्चा आ रहा है। तो सबसे जो बेस्ट है आपका वो इलेक्ट्रिक है। ऐसा ही आपका गैस वाला है, गैस आपका 1 घंटे में करीब 8 लीटर गैस खाता है और गैस का खर्चा भी मान लो अगर आपका 60 रुपये लीटर भी गैस हुआ तो भी आपका 600 रुपये प्रति घंटे का खर्चा आएगा गैस से। पर डे का वही लगा लो 10 घंटे के हिसाब से 600 रुपये पर डे का वही लगा लो, पर डे के 10 घंटे के हिसाब से 6,000 रुपये पर डे का आपका गैस से खर्चा आएगा। तो सारे में मिलाकर आपका इलेक्ट्रिक फ्रायर सबसे सस्ता पड़ता है। नंबर 2 पूरा ही स्टेनलेस स्टील का मशीन है। नंबर 3 इसको चलाना बहुत ही इजी है। नंबर 4 इसमें जो टेम्परेचर हीट होता है उसको इलेक्ट्रिक पैनल से कलेक्ट रहता है, तो आपका जितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो सारा इलेक्ट्रिक पैनल में मूव होता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पैनल में दिखाया जाता है सारा। तो सभी की अपेक्षा इलेक्ट्रिक फ्रायर सबसे बेस्ट है। अगर आपको तो सभी फ्रायर की अपेक्षा जो आपका इलेक्ट्रिक फ्रायर वो सबसे बेस्ट है। अगर आप भी चाहते हो इलेक्ट्रिक फ्रायर लगाना तो एक बार आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके प्राइस के बारे में आपको बता दूँ, इस मशीन की जो कीमत है इलेक्ट्रिक फ्रायर मशीन की मात्र 1,25,000 रुपये है। 1,25,000 रुपये में आपको विद इलेक्ट्रिक पैनल के साथ ये आपको पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्रायर फुल स्टेनलेस स्टील में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ ऐसी नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।